बेटवा नगर के निवासी कपिल शर्मा ने महज 23 वर्ष की उम्र में दूसरी बार बॉक्सिंग में स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। कपिल शर्मा ने 71 से 75 किलो वर्ग में हाल ही में ग्वालियर में आयोजित हुई 39वीं मध्य प्रदेश स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उन्होंने इसी वर्ग के टीटी नगर भोपाल स्टेडियम के अनिरुद्ध सिंह बुंदेला को हराकर स्टेट चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कपिल शर्मा लगातार 2021 और 22 में स्टेट चैंपियन रहे, इसके साथ में बॉक्सिंग में राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। कपिल शर्मा ने 2009 से बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। इसके लिए वे 30 किलोमीटर दूर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाते थे। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरा नाम कपिल शर्मा है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ। मैं एक रिसेंटली अभी स्टेट चैंपियन बना हूँ और दो साल से मैं कंटिन्यू स्टेट चैंपियन रहा हूँ 2021 और 2022 में 71 से 75 केजी में। मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ और हाल ही में जो अभी ग्वालियर में जो नगर पालिका ने बॉक्सिंग की प्रतियोगिता और मैच की थी उसमें मैंने 71 से 75 केजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उसमें मैं स्टेट चैंपियन बना हूँ और बॉक्सिंग मैंने 2009 में स्टार्ट की थी। मैं डेली बेटवा से इंदौर अप डाउन करता था बस में, जो कि लगभग मेरी स्टेडियम है, वहाँ पे ट्रेनिंग लिया आता था। डेली 30 किलोमीटर डेली अप डाउन रहता था और अभी भी अप डाउन चल रहा है। और बीसी में मैं हरियाणा ट्रेनिंग करने भी गया अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, टेक्निकल के लिए। मेरे खुद के भैया मनदीप जागा, जो कि मेरे ख्याल से आइडियल है, उनसे मैंने बॉक्सिंग सीखी, टेक्निक समझी। और जो कि कोच नर्मदा जी कश्यप, हर्ष गोसर, इनका मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। और मेनली मेरे भैया का जी मनदीप डांगड़ा, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है इंडिया टीम में, वो अभी भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बीच में 9th या 10th में मेरा पाँव टूटा, पाँव में रोड डली, उसके बाद फिर मैंने रिकवरी करी, फिर वापस से कम बैक करा। उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर मेरा नेशनल के ट्रायल में हार्ट टूटा, उसके बाद मैंने फिर रिकवरी कम बैक करा स्टेट में, फिर वापस से मैं चैंपियन बना। अब नेशनल की तैयारी आगे और होप आगे ओलंपिक में गोल्ड लाऊंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।